भाई इनकी कलाकारी का हुनर आपने देखा क्रिमिनल जस्टिस में, जमतारा में, लेकिन आज इनसे वन टू वन बेसिस पे रूबरू होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ? दीपेंदु भट्टाचार्य की। जी हाँ, आज उनके साथ साल की पहली शुरुआत है, पहला सोमवार है, तो ऐसा करते हैं वक्त बिताते हैं तसल्ली से, उनका घर भी घूम के आते हैं और जानते हैं कि उनकी दिनचर्या आखिरकार होती कैसी है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दीपेंदु भट्टाचार्य, अभिनेता दीपेंदु भट्टाचार्य, और आज एबीपी की टीम मेरे घर आई है और देखने के लिए कि मेरी दिनचर्या कैसी है और पूरा दिन मैं क्या करता रहता हूँ। ये है मेरा घर, छोटा सा घर है, और अपना ये मेरे घर के छोटा सा सदस्य हीरो, सो हमारा फैंटास्टिक हीरो, हीरो से हाय। मेरी माँ है जो अभी 2001 में उनकी 2021 में उनकी उनका देहांत हुआ था। थोड़ा सा छोटे मोटे जितने भी अवार्ड्स है वो छोटे मोटे आज तक जितने भी मतलब अवार्ड्स मैंने छोटे मोटे हासिल किए वो सब इधर ही हैं। अवार्ड्स तो मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब जो अच्छा लगता है, क्योंकि अप्रिसिएशन ही आपका एंड ऑफ द डे मोटो होता है। मतलब ये मेरे घर की एक बहुत पुरानी पेंटिंग है जो कि मेरे साथ चल रहा है। ये अपना एक फिल्म का प्री प्रोडक्शन पेंटिंग था, तो वो एक जो फिल्म कभी बनी नहीं, लेकिन बस उसका एक कैसे वो फिल्म बन सकती थी और बनना चाहिए था, तो उसको लेकर एक छोटी सी ये मेरा क्रिसमस ट्री है। तो ये एक मेरा रूम का एक कॉर्नर है जहाँ मैं काफ़ी बैठता हूँ इस तरफ। वुड मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली हमेशा, तो उधर वो अपना वो वाला फुड टेक्सचर है, तो वो वाला, हाँ, तो वो वाला अपना फ्लोर भी वुडन टेक्सचर है, एक डोर है। ये मेरा होम थिएटर है जो मेरा मतलब एक्चुअली सबसे यूज़फुल जगह है मेरे लिए एक्चुअली, तो मैं मेरा जितने भी व्यूइंग है ये सब इधर ही रहता है मैक्सिमम टाइम। मेरा अंदर भी एक है, अपना बार टाइप का एरिया है जो मतलब दोस्त वोस्त आते हैं और मतलब वर्ल्ड कप के टाइम में काफ़ी यूज हुआ तो ये है मेरा बेडरूम। सो आइए बेडरूम में मेरी वाइफ रिचा। सो कोई बात कह रहा था कि घर काफ़ी, आपका घर काफ़ी अच्छा मेंटेन है, मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ रिचा, तो रिचा की चलती सारी चीज़ें मेंटेन है। शी इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस,
हम दोनों NSD में मिले, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में जो है. तो ऐसे ही धीरे धीरे वी गॉट टू नो ईच अदर. एंड उसके बाद ये फैंटास्टिक कुक हैं और इनका खाने से एक बहुत ही गहरा संबंध है. ये एक एरिया है तो यही इसी एरिया में ज़्यादातर बैठ के मतलब पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा स्क्रिप्ट रीडिंग जो है मेरी सब इसी एरिया में ही चलता रहता है. चारिया और ये एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं और ये अपने स्कूल टीम के लिए खेलती है, अंडर 14 खेलती है. अभी इसने अपने डिवीज़न में बहुत अच्छा हाईएस्ट गोल स्कोरर है ये. दी अभी हम बेटे के साथ मिलाते हैं, बेटा भी आज घर में है. ये मेरा बेटा है सौरभ भट्टाचार्य. है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे घर का, जहाँ मैं ज़्यादातर टाइम इधर ही बिताता हूँ. जब मेरे पास कोई शूटिंग नहीं होती, मतलब तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी ना हूँ तो मैं इधर ही बिजी हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये मेरा स्पेस है, मेरा पूरा किचन सेटअप है. प्रोजेक्ट किया है वो हमेशा एक बहुत ही अच्छे बैनर के साथ, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर किया. आज लोग स्मॉल रोल्स किए, करते 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 बड़े हुए. फिर अनुराग कश्यप, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, काफ़ी हिस्टोरिकली अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में काफ़ी सिग्निफिकेंट फिल्मों में मैंने काम कर लिया. तो इस बहाने में तो वो एक आई थिंक इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन. एक ऊपर वाला की मतलब चाहत थी कि भैया मैं काम करूँ ऐसी चीज़ों में. आज आप लोगों ने मेरी दिनचर्या देख ली है, मेरे परिवार से मिल लिए, मेरा घर देख लिया है. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. ABP News, आपको रखे आगे.